मंगलवार को धर्मात्री में आदि शक्ति माँ अंगार मोती ट्रस्ट का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जहां मुख्य बतौर सूबे के वन मंत्री महेश कागड़ा ने शिरकत की। वहीं मंदिर परिसर में नवनिर्मित समुदाय का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा मंत्री ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कर्ष कार्य करने वाले आदिवासी समाज के लोगों का सम्मान किया, साथ ही समाज के शहीद परिवारों का मंच में सम्मान किया। इस दौरान आदिवासी समाज प्रमुखों ने ट्रस्ट की गतिविधियों को लेकर सुझाव और विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री महेश कागड़ा ने कहा कि आदिवासियों को सरकार भरोसे ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा वक्त में कई ऐसे कार्य हैं जिससे वे खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये हमारा वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष होता था, कुछ चुनाव वगैरह और अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण 2014 में किए थे, उसके बाद नहीं हुआ था। तो अभी हम लोग माननीय वन मंत्री जी और ये वन क्षेत्र में आता है तो उनको ट्रस्ट कमेटी द्वारा बुलाने का निर्णय हुआ। उन्होंने आज का तारीख हम लोगों को मुकद्दर किए और उसी के तहत हमारा जो वार्षिक अधिवेशन है और जो लोकार्पण कार्यक्रम जो हमारे ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है भवन का उद्घाटन कार्यक्रम था। माँ अंगार मोती यहाँ पे 1976-75 से विराजमान है। अंगार मोती माता ट्रस्ट के द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम था। माननीय माधव सिंह जी ध्रुव हैं, पूर्व मंत्री भी थे, आज ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। आप सबके आग्रह था कि यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन उसमें आना है और काफी अच्छा कार्यक्रम रहा। प्रतिवेदन देखकर यहाँ पे जो बहुत समय से जो काम कर रहे हैं जो लोग हैं उनका सम्मान भी करते हुए कभी अपने आप को गौरव से महसूस कर रहा हूँ कि इतने वरिष्ठ लोग इतने लंबे समय से इस माता जी की सेवा के लिए और उससे जन जागरण के लगे थे और आज लगातार माधव सिंह ध्रुव जी 2000 से चला रहे हैं। निश्चित तौर पर ट्रस्ट के एक जन जागरण से बेहतर काम हो रहा है और आगे भी बेहतर काम होगा। यहाँ ट्रस्ट की कुछ मांगे थी, सामुदायिक भवन है और अन्य जो व्यवस्था है शौचालय वगैरह के, उसमें तत्काल किए हैं कि आने दिनों तुरंत उसके करते काम शुरू कर देंगे। वन विभाग ग्राम सभा में एफ आर एस द्वारा दिया गया है, उसे कुछ त्रुटि हुआ है, उसमें कलेक्टर कहा है कि उसको संशोधन करके दे दें उसको।